हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, ये है मस्टर्ड केक। तो आज मैं आप लोगों के साथ मस्टर्ड केक लिक्विड फर्टिलाइजर कैसे बनाते हैं वही मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगी, और मैं जैसे करके बनाती हूँ वही शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स इसीलिए वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा, आपको बहुत सारे जानकारी भी मिल जाएगा इसके साथ साथ। और देखिए, मैंने 250 ग्राम्स मस्टर्ड केक पहले डाल दिया एक बकेट में, और 250 ग्राम डाल दिया यानी 500 ग्राम्स यहाँ पे मस्टर्ड केक है। और इसमें अभी हम 2 लीटर पानी डाल देंगे। तो देखिए, 2 लीटर पानी से आपको भिगो के रखना है 5 दिन तक। ये देखिए, 4-5 दिन तक आपको भिगो के रखना है। और इसको ऐसे करके पानी दे के फिर आप अभी हमें इसको इसका ढक्कन से ढक के रखना है। और फ्रेंड्स ये देखिए, मैंने ढक दिया। तो ऐसे करके आपको ढक के रखना है 4 दिन तक। तो ढक ऐसा ही करके रखना है, और रोज़ एक बार करके आपको हिला देना है यानी मिक्स करना है। जो पानी हमने 2 लीटर डाल दिया वहाँ पे, उसके साथ अच्छे से मिलाना है रोज़ एक बार करके। और ऐसा करने से आपका जो फर्टिलाइजर बन रहे हैं उसमें से कोई बदबू नहीं निकलेगा, और साथ में ऊपर में फंगस लग जाते हैं तो वो भी नहीं लगेगा। ये देखिए, ऐसा करके आपको रोज़ मिक्स करना है और फिर से दोबारा से ढक के रखना है। तो ऐसा आपको रोज़ करना है फ्रेंड्स। ये एक बहुत ही अच्छा लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है जो कि बहुत ही इजीली बन जाते हैं, और आप भी ज़रूर बनाइएगा। और ये देखिए, तो ये हो गया। अभी हम इसको ढक के दोबारा से ढक दिया, और अभी ऐसे करके हमें 4 दिन तक रोज़ मैंने किया था। और अभी देखिए, ये 4 दिन हो गया है, और आज हम इसमें कुछ इनऑर्गेनिक और थोड़ा सा इसका क्वालिटी और ज़्यादा न्यूट्रिशन से मतलब भर जाए ये जो फर्टिलाइज़र है, तो इसीलिए हमने और थोड़ा सा देखिए, ये है डीएपी, ये डीएपी के दाने हैं। तो उसको हमें 2 चम्मच मिलाना है 250 ग्राम मस्टर्ड केक के लिए, और मैंने तो 500 ग्राम्स फिगो के रखा, तो इसीलिए इसमें मैंने 4 चम्मच डाल देंगे मैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने 250 ग्राम जैसा भिगो के रखते हैं तो अब आप 1 लीटर पानी में भिगो के रखिएगा, हो जाएगा। और उसके बाद ऐसे करके रोज़ आपको हिला के देना है, और 4 दिन के 4 दिन के बाद आपको उसमें ऐसा करके 2 चम्मच तब ये डीएपी देना है। और ये देने से बहुत ही और अच्छा बन जाते हैं। और अगर आप नहीं देना चाहते हैं ऐसे ही तब फिर डालिएगा, तब फिर 5 दिन के दिन, अभी आज तो 4 दिन है, तो फिर वो डाल के डीएपी डाल के अच्छे से थोड़ा मिला देना है। मिलाने के बाद हमें फिर ढक के रखना है। तो ढक के रखने के बाद फिर अगले दिन यानी दूसरा दिन, 5th डे, उस दिन फिर हमें इसमें दोबारा से हिलाना है, और इसमें अभी हमें पानी डाइल्यूट करना है 10 लीटर। यानी पहले 1 लीटर डाला था हमने, 250 ग्राम अगर आप पकड़े तो, अगर 500 ग्राम्स पकड़े तो 2 लीटर डाला था, तो अभी हम और 18 लीटर पानी डालेंगे, तो कुल मिला के 20 लीटर पानी जैसे हो गया। तो ये इसमें तो आधा केजी है यानी 500 ग्राम्स जो केक था। तो अभी हम इसको 2 हिस्सों में बांट लेंगे, क्योंकि मेरा जो वो बकेट है वो 10 लीटर का है, तो इसलिए इसको आपको ऐसा करके, आपका अगर बड़ा बकेट है तो उसी में आप 10-20 लीटर 18 लीटर पानी मिला दीजिएगा, हो जाएगा। अगर आप 500 ग्राम्स वो केक भिगो के रखा है तो देखिए, यहाँ पे अभी 250 ग्राम्स हो गया है, तो इसमें अभी हम पानी डालेंगे 9 लीटर यानी 9 लीटर। तो देखिए, मैंने टैप के नीचे ही डायरेक्ट रख दिया, आप पानी ले जाके उधर में मिला सकते थे, तो मेरे पास ही ये था, तो इसलिए मैं डायरेक्ट टैप के नीचे रख दिया। और देखिए, बाल्टी पूरा भर गया है यानी 10 लीटर पानी अभी हो गया है, और इसको हमें अच्छे से मिलाना है। और मैंने टेप से जो टैप है उससे डायरेक्ट पानी दिया था, तो इसलिए इसमें फॉर्म बन गया है। देखिए, बबल्स बहुत सारे हो गया है, तो उसमें से कोई वो नहीं है,
तो अभी हमें जो मग है उस मग्गा से भी इसको अच्छे से थोड़ा हिलाना है ऐसे करके। तो आप बहुत ही अच्छे से मिला लीजिएगा, जो पानी और मस्टर्ड केक लिक्विड दोनों को अच्छे से ऐसे करके मिला लीजिएगा। और फ्रेंड्स, ये मिलाने के बाद आप कोई भी प्लांट्स में इसको डाल सकते हैं जिसका ग्रोइंग सीजन चल रहा है, यानी फूल खिलना एकदम शुरू हो गया है अच्छे तरीके से, वो सब प्लांट्स में आपको नहीं डालना है। देखिए, मैं मेरा रोज़ इसमें यही डाल रही हूँ इतने दिनों से, जब से मैं आप लोगों के सामने ही ये सारे प्लांट्स को हैवी प्रोनिंग, लाइट प्रोनिंग, जो सॉइल है वो भी चेंज किया था। तो देखिए, वो सारे प्लांट्स को मैंने दिखाया भी था और वो सारे रोजेस को मैं अभी तक यही फर्टिलाइजर दे रही हूँ, और कुछ दिनों के बाद 2-4 दिन के अंदर ही मैं इन प्लांट्स में कुछ सॉलिड फर्टिलाइजर डालूंगी, तब मैं आप लोगों के साथ वो भी जरूर शेयर करूंगी। और देखिए फ्रेंड्स, अगर बड़ा पॉट है मेरा, ये सारे 12 इंच का है जिसमें मिट्टी पूरा भरा हुआ होता है, तो फिर एक मग्गा जैसा पानी, 1 लीटर पानी इसमें आते हैं ये मग में, तो तब पूरा 1 लीटर ही आपको डालना है। लेकिन जिस पॉट में मिट्टी कम होता है तो आधा लीटर से हो जाते हैं। और अगर देखिए फ्रेंड्स, आप वेजिटेबल्स में भी डाल सकते हैं, आपका अगर किचन गार्डन है तो वो सब में आप जरूर डालिएगा। मैं जब भी बनाती हूँ ये डालती हूँ ये सारे प्लांट्स में भी। और फ्रेंड्स, अगर कोई भी जो विंटर फ्लावरिंग सीजनल प्लांट है वो सब का, तो ये एकदम बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर होता है, वो सब में आप जरूर डालिएगा। और ये जो मैंने बहुत ही पतला करके बनाया है, तो आप इसको हफ्ते में 2 बार भी यूज कर सकते हैं, या फिर हफ्ते में 1 बार जरूर यूज कर सकते हैं। और अगर आप 250 ग्राम में 5 लीटर पानी मिलाते हैं, तो अब आपको वो फर्टिलाइजर 10 दिन के बाद ही आप दे सकते हैं, नहीं तो ज्यादा वो हो जाएगा, आपका प्लांट्स खराब हो जाएगा। लेकिन ऐसा पतला करके आप बनाइएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा, और ये आप हफ्ते में 1 बार कर सकते हैं, आप सब मतलब 1 बार सारे प्लांट्स में दे सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं मेरे सारे रोजेस में तो यही डालती हूँ। देखिए, अभी क्लाइंबिंग रोज में भी डालूंगी, आप लोग देख पाएंगे। बाकी जो बचा था उसमें भी 10 लीटर पानी देखिए मिला दिया है। और फ्रेंड्स, मेरा जो ये फर्टिलाइजर है, यहाँ से कोई भी बदबू नहीं निकल रहा है, बस मस्टर्ड केक का जो एक स्मेल होता है वो ही है, कोई बदबू गंदा सा वो नहीं है। और देखिए इसका कलर भी कितना अच्छा है। तो फ्रेंड्स, ऐसा करके आप जरूर बनाइएगा, और ऐसे ही करके मस्टर्ड केक लिक्विड फर्टिलाइजर मैं बनाती हूँ, और मेरे सारे प्लांट्स को मैं यही फर्टिलाइजर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, इतना ही था मेरा ये मस्टर्ड केक लिक्विड फर्टिलाइजर कैसे बनाना है आप लोगों के साथ शेयर करना। और फ्रेंड्स, जिस प्लांट में फ्लावरिंग एकदम शुरू हो गया है, बहुत सारे फ्लावर खिल गया है, वो सब प्लांट्स में आपको नहीं डालना है, बस इसका ग्रोथ है वो सारे प्लांट्स में आप डालिएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और फ्रेंड्स, इतना ही था मेरा आज आप लोगों के साथ शेयर करना, और आप भी बिल्कुल ऐसा ही करके मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइजर बनाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।